नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्सप्रेस ट्रेन द रेल फ्रेंड के रेल न्यूज सेशन में स्वागत है। इस रेल न्यूज सेशन में हम रेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट होता है हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रेलवे जल्द ही भविष्य में स्लीपर कोचेस को एसी कोचेस में रिप्लेस करेगी। रेलवे ऐसा इसलिए करे ताकि ट्रेन की स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर पर आवर किया जा सके। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक स्लीपर कोचेस को एसी कोचेस में बदलने का कार्य रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में चालू है। जो यह नई एसी कोचेस होगी उसमें प्रत्येक कोचेस में 82 बर्थ होगी, जबकि स्लीपर कोचेस में 72 होती है। प्रत्येक एसी कोचेस को बनाने में लगभग 2.83 करोड़ खर्च होगी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या रेलवे सभी ट्रेनों को फुल एसी ट्रेन में कन्वर्ट कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे का इरादा देश भर में मेल और एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ियाँ जो लंबी दूरी को जाती है उनकी 130 से 160 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ने का है, और उसी लिहाज से ट्रेनों के कोच में बदलाव किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि तकनीकी तौर पर यह जरूरी होता है कि इस स्पीड से चलने वाली ट्रेनों में एसी कोचेस ही लगाए जाए। रेलवे ने साफ किया है कि सभी ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच नहीं हटाए जा रहे हैं। जो सेमी हाई स्पीड पर ट्रेनें चलेगी उन्हीं में यह बदलाव किया जा रहा है। अब बात करते हैं किराए के बारे में। किराए को लेकर अभी तक ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन रेलवे ने यह भरोसा दिया है कि ऐसी ट्रेनें में भले ही स्लीपर कोच नहीं होंगे, लेकिन जिन मॉडिफाइड एसी कोच का प्रयोग किया जाएगा उनमें किराए का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यह थी आज की एक रेल न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।